अविनाश सर, सोना कॉम BLW में कल से कुछ इन्वेस्टर्स ने कुछ पैसा निकालने वाली बात हो रही थी, या कुछ शिफ्टिंग थी, बल्क डील वाली बात हो रही थी सोना देखिए, कॉम। यहाँ पे भी हमको लग रहा है ये डील ऑलरेडी आज सुबह हो चुकी है। ब्लैक रॉक ने करीबन 12-13% स्टॉक बेचा है। देखिए, आपको समझना है कि ऐसे बड़े जो पी इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी भी अपना स्टॉक बेचने की बात कर सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म में ये कंपनी का जो बिजनेस है वो ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पे डिपेंडेंट है। करीबन 25-30% जो इनका प्रोडक्ट आता है, रेवेन्यू आता है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस से आता है। आने वाले दिनों में, सालों में तो और भी बढ़ेगा। और इनके पास सबसे अच्छी बात है एलेक्स की, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास काफी बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्लोबल कंपनीज है जो इनके कस्टमर्स है। तो इस लेवल पे भी अगर कोई खरीदता है और 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखता है तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। मुझे लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन वाली कंपनी है, और सबसे बड़ी बात प्रमोटर्स भी काफी वेल केपेबल है, इनकी स्किल सेट भी बढ़िया है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। आज का जो करेक्शन आया है वो शायद ब्लैक रॉक के सेल ऑफ पे आया है, लेकिन आने वाले दिनों में होपफुली नंबर्स अगर इंप्रूव होते हैं तो डेफिनेटली इसमें अच्छी खासी कमाई होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिया रखें, शॉर्ट टर्म में शायद आपको इतना बड़ा अपसाइड ना मिले। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझूं। नहीं बिल्कुल, देखिए, आप अगर इस कंपनी का पहले तिमाही का रिजल्ट देखोगे तो शायद इतना बढ़िया नंबर नहीं आया है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की अपॉर्चुनिटी देखे, नॉट ओनली इंडिया लेकिन ग्लोबल मार्केट में, तो ये कंपनी इज वेल पोजिशन टू कैप्चर दैट। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये जो फॉल आज आया है एलेक्स, उसका अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है तो इसको आपको डेफिनेटली आपको इसको मौका समझ के थोड़ा बहुत खरीदना चाहिए।